बात करूंगा। स्वाइन फ्लू एक बीमारी के बारे में हम सब बार बार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं अखबारों में, टीवी में, मीडिया में, और डर बैठ गया है, दहशत बैठ गई है मन में, पुणे में तो बहुत ज्यादा। थोड़े दिन पहले मार्च के महीने में ऐसा दिल्ली में भी हुआ था, दिल्ली में बहुत दहशत हो गई थी मार्च 2009 में। इसी तरह से थोड़े दिन पहले मद्रास में भी हुआ था, फिर थोड़े दिन पहले इसी तरह से हैदराबाद सिकंदराबाद में हुआ था। तो भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं, जहां पर पैसे वाले लोग रहते हैं, जहां पर परचेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, लोगों की क्रय शक्ति बहुत है, ऐसे स्थानों पर अक्सर ये माहिती फैलाई जाती है या फैल जाती है और लोग डर में और दहशत में आ जाते हैं। पुणे में इतना डर और दहशत हो गया है कि सरकार ने सारी शाखाएं बंद कर दी हैं, हॉस्पिटल सिर्फ खुले हुए हैं, बाकी सब बंद है। मैं बार बार पुणे आता रहता हूं, मेरी जिंदगी में पुणे की सड़कों पर इतना आराम मैंने कभी नहीं देखा। कोई है नहीं सड़क पर चलने वाला, सब घर में बैठे हैं, सबको दहशत हो गई है। और दहशत एक ही है कि पता नहीं हमको ये वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर हमको बीमारी हो जाएगी और हम मर जाएंगे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इससे मरने की शक्यता है। शरीर की प्रतिकारक शक्ति इतनी कम हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति मर सकता है। फिर आपको न्यूज़पेपर से ये माहिती मिली होगी कि पुणे में कुछ लोग मर गए हैं और भारत में भी कुछ लोग मर गए हैं। तो भारत सरकार की ये जो माहिती है कि कुछ लोग मर भी गए हैं, उसने और डर पैदा कर दिया है। और विशेष रूप से पुणे में किसी एक डॉक्टर की मृत्यु हुई थोड़े दिन पहले, उसने सारे देश में चर्चा बहुत कर दी इसकी कि डॉक्टर मर गया तो फिर पेशेंट का क्या है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी माहिती कह के ये बात शुरू करना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली से आया परसों आया शाम को, तो दिल्ली हवाई अड्डे पे फ्लाइट पकड़ने के लिए जब मैं आ रहा था तो कुछ परिचित लोग मिल गए मुझे हवाई अड्डे पे। तो उन्होंने मुझे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा, पुणे जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं? मैं कहा, भाई मेरा व्याख्यान है वहां पे, इसके लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, मरने के लिए जा रहे हैं क्या? मैं बोला, क्या पुणे में सब मर रहे हैं? वो बोले, हाँ वहां पे स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, सब लोग ऐसी हालत में है। तो बाहर वालों को ऐसा लगता है पूरे पूरे पुणे में शमशान घाट बन गए हैं, सब मर रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसी इमेज बन गई है पुणे की। ये सारी इमेज मीडिया ने बनाई है। मैं आपको कुछ वास्तविक बात बताना चाहता हूँ, कुछ सच्चाई है जिसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इस दृष्टि से कि आप सब योग शिक्षक हैं, हर दिन आप कक्षाएं लेते हैं, हर दिन आपके योग और प्राणायाम सीखने वाले आपके पास लोग आते हैं, तो आप ये बात, ये माहिती दूसरों को कहें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली माहिती कि स्वाइन फ्लू नाम की जो बीमारी फैलती है वो एक वायरस से, उस वायरस का नाम है AH1N1, ये जानकारी आप सबको है। लेकिन जो महत्व की माहिती है वो ये है कि ये वायरस भारत का नहीं है, ये विदेशी है, परदेशी है। और ये जो बीमारी है स्वाइन फ्लू, ये भी देशी बीमारी नहीं है, ये भी विदेशी है, परदेशी है। ये वायरस परदेशी है, ये बीमारी परदेशी है। ये वायरस कहाँ से आया है? तो इस वायरस की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि 1.5 साल पहले ये वायरस पैदा हुआ मैक्सिको नाम के एक देश में। मैक्सिको लैटिन अमेरिका का एक देश है, और उस देश में एक बहुत बड़ी अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है स्मिथ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड करके, बड़ी कंपनी है। वो कंपनी डुकर का मांस बेचती है। हर साल 10 लाख मीट्रिक टन डुकर का मांस बेचती है वो कंपनी। अब 10 लाख मीट्रिक टन डुकर का मांस पैदा करने के लिए कम से कम 1 कोटि डुकर का कत्ल करना पड़ता है, तब 10 लाख मीट्रिक टन डुकर का मांस पैदा हो सकता है। और वहां के जो डुकर होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते अपने जैसे, हाँ अपने भारत के जैसे डुकर है ना, वैसे नहीं होते, उससे तो डबल और ट्रिपल होते। हमारे यहां जितनी बड़ी जितनी ऊंची गाय होती है ना, वहां इतने ऊंचे डुकर होते, और एकदम मोटे मोटे थुल थुल, और इतने जास्ती मोटे होते हैं कि चल नहीं सकते,
तो खड़े होते हैं, धम से बैठ जाते हैं, चल नहीं पाते, भाग नहीं सकते, इतना मांस उनके शरीर पर होता है। और वो मांस उनको इंजेक्शन दे दे के बढ़ाया जाता है, दवाएं दे दे के बढ़ाया जाता है, इंजेक्शन दे के दवाएं दे के डूकर का मांस बढ़ाते हैं, और वो मांस बेचने का काम वो कंपनी करती है। तो कंपनी का वन पॉइंट प्रोग्राम है डूकर का मांस बेचना, मुनाफा कमाना और डूकर पालना। तो उनके बड़े बड़े रेंच हैं, उसमें डूकर पालते हैं, हर साल मांस बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं। लेकिन कंपनी के जो मालिक हैं, जो उसके मैनेजर हैं, जो उसके बड़े अधिकारी हैं, कर्ता धर्ता हैं, वो अपने ही डूकर के मांसों को नहीं खाते, वो नहीं खाते, खुद नहीं खाते। मैंने उस कंपनी के कुछ अधिकारियों को ईमेल करके पूछा कि आप पोर्क खाते हैं, पोर्क माने डूकर का मांस, तो उन्होंने कहा नहीं खाते, वो वेजिटेरियन है, दूसरों को खिलाते हैं, खुद क्यों नहीं खाते। तो वो ही मुझे बोलते हैं कि हमको मरने का डर लगता है, कैसे मर जाएंगे। तो वो बोलते हैं ये जो डूकर का मांस है ये इन्फेक्टेड है, और इसमें वायरस बहुत है, और इसमें H1N1 वायरस होने की शक्यता सबसे ज्यादा है। ये जो H1N1 वायरस है ये डूकर में ही जिंदा रहता है, तो वहां के डूकर में ये वायरस जिंदा रह सकता है। और 1.5 साल पहले ये वायरस वहां डिटेक्ट हुआ, और जो जो लोगों ने डूकर के मांस खाने वाले लोग हैं उनमें से करीब 2000 लोग उससे प्रभावित हुए, और 146 अभी तक मर गए 1.5 साल में। 1 साल 6 महीने में 146 लोग मरे, 2000 लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए, जिनको H1N1 वायरस ने प्रभावित किया वो इन्फेक्टेड हुए। तो आंकड़े वारी में देखा जाए तो ये कोई बड़ी संख्या नहीं, 1 साल 6 महीने में 146 लोग मरे। क्यों? क्योंकि दर वर्षी हमारे देश में अगर दूसरी बीमारियों से मरने वालों की संख्या हम ढूंढेंगे तो कैंसर से इस देश में हर दिन 1500 लोग मरते हैं, हर दिन। और साल में कैंसर से इस देश में 40 से 45 लाख लोग मरते हैं। फिर हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया से हर दिन 1200 लोग मरते हैं, और साल में करीब 36 लाख के आसपास लोग मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस से मर जाते हैं। फिर हर दिन हमारे देश में 1000 लोग डायरिया और डिसेंट्री, हैजा और कॉलेरा से मरते हैं, और साल में करीब करीब 35 लाख लोग डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा से मर जाते हैं। फिर हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे हैं लाखों की संख्या में जो हर दिन कुपोषण से मरते हैं, जिनके शरीर में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, और ऐसे ही भूखे मर जाते हैं, पूरा पेट भर के उनको भोजन नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, उसमें मर जाते हैं। तो मरने वालों की संख्या तो बहुत है, कैंसर से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, मलेरिया से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, ट्यूबरकुलोसिस से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, डायरिया, डिसेंट्री से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, अनेक अनेक दूसरी बीमारियों से। लेकिन वो बीमारियों पर हमारे देश के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे खबर नहीं आती। कैंसर से मरने वालों के बारे में कभी भी न्यूज़पेपर में और मीडिया में इतनी चर्चा नहीं होती जितनी स्वाइन फ्लू की हो रही। ट्यूबरकुलोसिस से मरने वालों की चर्चा कभी भी इतनी नहीं होती मीडिया में जितनी स्वाइन फ्लू की हो रही है। कारण जानते हैं क्या है? कैंसर की, ट्यूबरकुलोसिस की, डायरिया की, डिसेंट्री की कोई वैक्सीन नहीं बन सकती। जिन बीमारियों की वैक्सीन नहीं बनती उन बीमारियों के बारे में मीडिया में चर्चा नहीं होती, भले उसमें मरने वालों की संख्या कितनी भी जास्ती हो। लेकिन जिन बीमारियों में वैक्सीन बन सकती है और मरने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होती है उसकी चर्चा बहुत होती है। कारण क्या है? जब बीमारी की चर्चा होगी तो लोगों में डर पैदा होगा, दहशत पैदा होगी। जब डर और दहशत बहुत जास्ती हो जाएगी, जैसा अभी बताया कि एक पत्नी का पति मर गया और उसके मन में इतनी दहशत और इतना डर कि उसने अपने पति के अंतिम शरीर को माने आखिरी यात्रा को 5 फीट दूर से प्रणाम किया, माने दहशत इतनी जास्ती है कि जो धर्म पत्नी अपने पति के साथ सालों साल रही एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर, जब उसको ये डर लग गया कि इसको स्वाइन फ्लू हुआ और उससे ये मर गया तो दूर से ही उसने प्रणाम कर लिया। ये हद है
ये लिमिट क्रॉस हुई है डर की, दहशत की। और ये लिमिट क्रॉस कराने में मीडिया ने बड़ी ताकत लगाई है। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो आपको कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। आप पूछेंगे क्यों नहीं कर सकता, हमारे में कोई सुरखाव के पर हैं, या हम भगवान के दूत हैं, या हम ज्यादा योग और प्राणायाम करते हैं, ये कारण है। कारण क्या है? कारण उसमें से दूसरे हैं जो जानने की जरूरत है। सबसे बड़ा कारण ये है कि स्वाइन फ्लू विदेशी वायरस है, सॉरी विदेशी बीमारी है, और H1N1 वायरस विदेशी है। माने ये वायरस दुनिया के उन्हीं देशों में पैदा होके प्रभावित करता है लोगों को जहां ठंडी बहुत पड़ती है, तापमान बहुत कम होता है। अमेरिका में ठंडी बहुत होती है, कनाडा में ठंडी बहुत होती है, मैक्सिको में ठंडी बहुत होती है, ब्राजील में ठंडी बहुत होती है, फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में ठंडी बहुत होती है। और आप जानते हैं साल में 6 महीने ठंडी पड़ती है, और साल में 6 महीने तापमान उनके यहाँ 0 के नीचे होता है, -5 डिग्री, -10 डिग्री, -15 डिग्री, -20 डिग्री, कभी कभी तापमान -30, -35, -40 तक चला जाता है। 6 महीने बर्फ ही बर्फ रहती है, सड़क पे बर्फ होती है, मैदान में बर्फ होती है, खेत में बर्फ होती है, छत पर बर्फ होती है, बर्फ 10-10 फीट ऊंची होती है। और यूरोप और अमेरिका में 6 महीने सरकार के सभी विभाग की ताकत इसी बात में खर्च होती है कि सड़क से बर्फ हटाना, खेत में से बर्फ हटाना, चलने लायक सड़क को बनाना, खेत को खेती लायक बनाना। तो जिन देशों में बर्फ पड़ती है, ठंडी बहुत होती है, तापमान 0 के नीचे चला जाता है, ऐसे देशों में तरह तरह के वायरस पैदा होते हैं। और जितनी ज्यादा ठंडी होती है उतने ज्यादा वायरस होते हैं। सामान्य रूप से दुनिया के जितने भी वायरस हैं उनको पैदा होकर जिंदा रहने के लिए कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान लगता है। और 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान जो जो देशों में हो सकता है उन्हीं देशों में सबसे ज्यादा वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ करते हैं। अब भारत के बारे में बात करें और पूना के बारे में बात करें। भारत में इस समय महीना चल रहा है सितंबर, माफ करिएगा अगस्त, अगस्त का महीना चल रहा है। अगस्त के पहले जुलाई था, जुलाई के पहले जून था, जून के पहले मई था, और मई के पहले अप्रैल, अप्रैल के पहले मार्च, मार्च में गुड़ी पड़वा से लेकर और दीपावली के दिन तक सामान्य तापमान जो होता है पूरे भारत देश में वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 35 डिग्री होता है, 36 डिग्री होता है। पुणे का आज का तापमान 33 डिग्री है, और अभी थोड़ी धूप ज्यादा हो जाए ना तो कल ये 35-36 डिग्री हो जाएगा। तो पुणे का न्यूनतम तापमान इस समय 34-35 डिग्री है, सारे देश का न्यूनतम तापमान इस समय 34-35 डिग्री है, दो राज्यों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश के 28 राज्यों का सामान्य तापमान 34-35 डिग्री है। इस तापमान में कोई भी वायरस जिंदा नहीं रह सकता, मर जाता है। वायरस अगर पैदा भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट जिंदा रह सकता, उसके बाद उसको मरना ही है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के ताप में, सूर्य की गर्मी में कोई वायरस जिंदा नहीं रहता। तो भारत दुनिया में सबसे अद्भुत देश है जहां पर सूर्य का तापमान इतना है, सूर्य का प्रकाश इतना है। यहां तो गर्मियों में मई जून में तापमान +50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दूसरे देशों में -40 होता है ठंडी में, यहां +50 होता है। कितना अंतर है तापमान का आप सोचिए, -40 से 0 पे आइए, 0 से आगे 50 तक जाइए, इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो जो देश ठंडी वाले हैं, बर्फ वाले हैं, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, उन्हीं देशों में वायरस इन्फेक्शन बहुत होते हैं। भारत गर्म देश है, गर्मी वाला देश है, उष्णकटिबंधीय देश है। भगवान ने भारत को ऐसा बनाया है कि सूर्य का ताप इतना तेज है इस देश में, इसकी कल्पना जो है
हम तब कर पाते हैं जब हम माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषय में पढ़ने के लिए जाएं। तो आप अपने मन से एक भय, एक डर निकाल दीजिए। आपके शहर में, पुणे में, पुणे के पूरे जिले में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को छोड़कर कहीं भी ये वायरस हो नहीं सकता, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा है। इसलिए इस बीमारी से आपके प्रभावित होने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। इसलिए आपके मरने की भी कोई संभावना नहीं। मन से ये डर निकाल दो। अब आप मुझे तुरंत एक सवाल पूछेंगे, वो सवाल ये पूछेंगे कि फिर थोड़े दिन पहले पुणे में डॉक्टर मर गया और अभी थोड़े दिन पहले कोई एक बेटी मर गई पुणे में, तो ये क्या है? इन में से किसी भी डेथ में स्वाइन फ्लू कंफर्म नहीं हुआ, किसी भी डेथ में। क्योंकि ये जो डॉक्टर मरा ना, तो होना तो ये चाहिए था कि अगर डॉक्टर स्वाइन फ्लू से मरा तो मरने के पहले डॉक्टर के सारे चेकअप होने चाहिए, या मर गया, मरने के बाद सारे चेकअप होने चाहिए। और वो जो चेकअप की रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर की, ब्लड की रिपोर्ट, उसकी यूरिन की रिपोर्ट, उसके स्टूल की रिपोर्ट, उसके सब तरह के रिपोर्ट्स, उसका थूक है, जो लार है, उसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट जाहिर होनी चाहिए। आपने पढ़ी है? क्योंकि जाहिर ही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो डॉक्टर स्वाइन फ्लू से मरा ही नहीं है, वो किसी और बीमारी से मरा, लेकिन उसकी बीमारी को मीडिया ने स्वाइन फ्लू बता दिया, बीमारी कुछ और थी उसको। इसी तरह से एक थोड़े दिन पहले छोटी बेटी मरी यहां पुणे में, उसके भी ब्लड की कोई रिपोर्ट टेस्ट हुई नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसको स्वाइन फ्लू हुआ था, और मीडिया ने बता दिया वो स्वाइन फ्लू से मर गई। भारत देश में अब तक जितनी भी मृत्यु हुई है उसकी संख्या 11 है। 11 मृत्यु जितनी की हुई है, सबके बारे में मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं, किसी की भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि उनको स्वाइन फ्लू था। हाँ, उनकी रिपोर्ट में यह था कि उनको साधारण फ्लू था। साधारण फ्लू और स्वाइन फ्लू में अंतर है। साधारण फ्लू में क्या होता है, सर्दी होती है, खोखला होता है, जुकाम होता है, नाक से पानी आता है, आंख से पानी आता है, गले में दर्द होता है, गला बैठ जाता है, आवाज भी नहीं निकलती है, कभी कभी टेम्परेचर आ जाता है, फीवर आ जाता है, लेकिन फीवर कभी भी 101 डिग्री से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता। शरीर में हल्का फुल्का दर्द रहता है, बहुत थकान लगती है, बहुत कमजोरी लगती है, ये साधारण फ्लू बीमारी के लक्षण हैं। और ये बीमारी हर बार होती है बारिश के दिनों में, इसमें नई कोई बात नहीं है। पिछले साल बारिश आई थी तब भी ये बीमारी हुई थी, अगले साल बारिश आएगी तब भी ये बीमारी होगी, और भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सब जगह होती है। तो ये साधारण फ्लू बीमारी होगी शायद ये 11 लोगों को। फिर आप बोलेंगे साधारण फ्लू में मौत हो सकती है क्या? कभी कभी होती है। कब? जिस व्यक्ति को साधारण फ्लू हो जाए और उसके पहले उसको कोई गंभीर बीमारी हो चुकी हो। जैसे मैं उदाहरण से बताता हूं, मान लीजिए किसी को बहुत समय से टाइफाइड हो, ठीक है, अब टाइफाइड हो और टाइफाइड शायद ठीक होने वाला हो, तब तक उसको फ्लू हो गया हो, उस कंडीशन में वो आदमी मरने की स्थिति में पहुंच सकता है। इसी तरह से लंबे समय किसी को मलेरिया का बुखार आया और मलेरिया के बुखार में उसी को फ्लू हो गया, मलेरिया ठीक हुआ तब तक उसको फ्लू हो गया, उस कंडीशन में उसकी मृत्यु हो सकती है। एक बहुत खराब बुखार होता है, ज्वर होता है, ताप होता है, जिसको मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, इंसेफलाइटिस कहते हैं। इसमें अगर कोई व्यक्ति फंस गया हो और थोड़े ही दिन के बाद उसको फ्लू इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि इन तीनों कंडीशन में ब्लड में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम हो जाते हैं, और उसके बाद प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए एलोपैथी में कोई दवा नहीं है। तो इसलिए एलोपैथी का कोई भी पेशेंट या डॉक्टर इस तरह से अगर चक्कर में आ गया तो उसका मरना 100% तय है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जब तेजी से प्लेटलेट्स गिरते हैं और एलोपैथी के पास कोई दवा नहीं है प्लेटलेट्स बढ़ाने की, तो वो मर ही जाएगा। और मैं 99.99% कहता हूं पुणे का डॉक्टर ऐसे ही मरा है।
उसके ब्लड प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिर गए और पहले उसको एक बड़ी बीमारी का इन्फेक्शन हो चुका था, उसके बाद फ्लू हो गया, मर गया। तो मीडिया ने उसको छाप दिया कि वो स्वाइन फ्लू से मर गया, क्योंकि मीडिया को इसमें क्या इंटरेस्ट है, अखबार वाले ये जो खबर छाप रहे हैं इसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। मीडिया में काम करने वाले मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दिल्ली में एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसका एक एडिटर है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने उसको एक दिन पूछा कि तुम्हारे अखबार में 15 दिन से हर दिन हेडलाइन छप रही है कि स्वाइन फ्लू पुणे में फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, 11 मर गए, अब तक इतने प्रभावित हो गए, ये जो खबर तुम दे रहे हो इस खबर में तुम मुझे कोई 1, 2, 3, 10, 20, 50 लोगों के नाम दे दो, पते दे दो जिनको स्वाइन फ्लू हो गया है, मैं उनके घर वालों से मिलना चाहता हूं। तो कहने लगे वो नहीं है हमारे पास। मैं पूछा फिर खबर कैसे छाप रहे हो, कहने लगा खबर तो ऊपर से आ रही है। मैं बोला ऊपर से कहां से आ रही है, तुम्हारे ऊपर कौन है? तो उसने कहा मैं तो एडिटर हूं लेकिन मेरे ऊपर अखबार का मालिक है। आप जानते हैं एडिटर मालिक के नीचे होता है। कहने लगा मालिक के यहां से खबर आ रही है और मालिक के यहां से ये आदेश आ रहा है कि ये पहले पेज पे खबर लगनी चाहिए और ऐसी जगह लगनी चाहिए जहां सबकी नजर पड़ती है। फिर मैंने पूछा इसमें खास बात क्या है जो पहले पेज पे लगनी चाहिए? तब उसने कहा इस खबर के साथ चेक भी आता है, ड्राफ्ट भी आता है, पैसे आते हैं, और जितने ज्यादा बड़े अमाउंट का चेक आता है उतने ही बोल्ड लेटर्स में हम इसको छापते। फिर मैंने पूछा भाई तू ये बता कि कौन देता है ये चेक और ड्राफ्ट? तो उसने कहा एक कंपनी देती है। वो कंपनी कौन है? तो उसने तो मुझे नाम बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा आपको। उसने कहा कि एक अमेरिका की कंपनी है, वो हमको चेक देती है, ड्राफ्ट देती है। उस कंपनी का क्या इंटरेस्ट है कि तुमको खबर छापने के लिए पैसा दे रही है? तब उसने मुझे बताया, मैं तो हैरान हो गया। उसने कहा कि ये सब खबर जो छप रही है अखबारों में ये प्रायोजित है। प्रायोजित खबर का मतलब समझते हैं, एडवर्टाइजमेंट। जैसे जाहिरात छपता है ना, तो जाहिरात के रूप में खबर छपती है, खबर ही जाहिरात होती है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? खबर ही जाहिरात होती है और खबर को जाहिरात की तरह से छापा जाता है क्योंकि उसके लिए पैसा आता है, और जास्ती पैसा आता है तो पहले पेज पे छापते हैं, कम आता है दूसरे पेज पे छापते हैं, और कम आता है तीसरे पेज पे छापते हैं। किस पेज पर छपेगा वो पैसे से तय होता है। और ये जो एडिटर है ये कोई साधारण अखबार का एडिटर नहीं है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाले अंग्रेजी अखबार का एडिटर है। और वो एडिटर का मालिक उसको आदेश दे रहा है कि ये छपना चाहिए, इसके साथ इतना चेक है, इसके साथ इतना ड्राफ्ट है। तो आप समझ लीजिए कि मीडिया में ये जो छप रहा है ये पैसे की ताकत से छप रहा है, इसमें सच्चाई नहीं है। फिर उसने जिस कंपनी का नाम लिया, मैंने उसको खोजना शुरू किया तो सारी बात समझ में आ गई, ये वही कंपनी है जो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है। उस दवा का नाम है टैमीफ्लू। तो ये जो टैमीफ्लू नाम की दवा बनाने वाली कंपनी है, मैंने इस कंपनी का सारा हिस्ट्री निकाला तो 10 साल से ये औषध बना रही है टैमीफ्लू, लेकिन 10 साल में दुनिया में कहीं भी स्वाइन फ्लू फैल नहीं रहा है। दवा बन रही है, बीमारी नहीं फैल रही। अब देखो इस बच्चे को भी समझ में आ गई बात। अब आप सोचो दवा बनती जा रही है, हर साल प्रोडक्शन हो रहा है, गोडाउन भर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, गोडाउन भर रहे हैं, बीमारी फैल नहीं रही है तो दवा बिक नहीं रही है। और उस कंपनी के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमारे पास लाखों लाखों नहीं 10-10, 20-20 लाख टैबलेट्स एक एक देश के गोडाउन में डंप पड़ी है। 30 देशों में उस कंपनी का बिजनेस है। भारत जैसे देश में उनकी लाखों टैबलेट्स डंप पड़ी है पिछले 10 साल से, और स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है। तो उनको अभी ये स्टॉक खाली करना है। ये स्टॉक खाली कब होगा? बाजार में दवा बिके। बाजार में दवा कब बिकेगी? जब आप जैसे लोग वो दवा खरीदें। आप दवा कब खरीदोगे?
या तो आपको स्वाइन फ्लू हो जाए तब खरीदोगे, या उसका डर इतना हो जाए स्वाइन फ्लू का कि आपको मरने की बात समझ में आने लगे तब आप दवा खरीदोगे। दो ही कंडीशन है, आप दवा खरीदो। तो उस कंपनी ने यह अभियान चला दिया, अभियान ये चला दिया कि डर पैदा कर दो, मरेगा तो कोई नहीं क्योंकि बीमारी नहीं तो मरेगा क्या, वायरस इंफेक्शन होगा नहीं क्योंकि वायरस ही नहीं है इंफेक्शन क्या होगा। तो कंपनी को एक बात तो पक्की मालूम है कि ज्यादा लोग इस बीमारी में फंस नहीं सकते और ज्यादा लोग मर भी नहीं सकते। हां ये जरूर है कि करोड़ों लोगों के मन में डर आ जाए, दहशत आ जाए, आतंक पैदा हो जाए, तो वो डर के मारे टेमीफ्लू खरीद खरीद के अपने घर में भर के रखें, बाद में बीमारी हो या ना हो लेकिन खरीद लें आप, बाजार से दवा उनकी बिक जाए, यही उनका उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कंपनी अखबारों में पैसे खर्च कर रही है। अब अखबारों में 10-20 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए खबर छपवाने के लिए, और दवा उनकी 3000 कोटी की बिक गई, तो धंधा कितना अच्छा है। 10 कोटी खर्च किए, 3000 कोटी का माल बिक गया।